हाथरस की 19 साल की दलित बिटिया किस दर्द में रही होगी जब उसकी आत्मा को शरीर से ज्यादा दर्द हुआ होगा। हम हर उस लड़की को निर्भया क्यों कह देते हैं जिसके साथ ज्यादती हुई होती है। वो निर्भय नहीं है, कतई नहीं है। ये नाम तो सवाल उठाता है कि बेटी बहन की ज्यादती पर, उसके दुनिया में ना रहने पर हम उसे निर्भया कहकर उसे पहले निर्भय न रहने देने पाने से कन्नी काट चुके होते हैं। क्या उसे भय नहीं लगा होगा जब उसके साथ बलात्कार हुआ होगा? क्या उसे भय नहीं रहा होगा जब उसकी जीभ काट ली गई, उसकी गर्दन तोड़ दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई? ये जुल्म उसे निर्भया नाम देता है तो ये नाम सही नहीं है। ये जुल्मत की कहानी है। वो जा चुकी है जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेन कर रहा है। लोग गुस्से में हैं पर पुलिस कहती है उसकी जबान नहीं काटी गई, गर्दन और रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी गई, रेप की पुष्टि नहीं हुई और आरोपी गिरफ्तार हो गए। सवाल है, इतना कुछ नहीं हुआ फिर भी वो मर गई? 14 सितंबर को हुई घटना के बाद वो अस्पताल में जुकाम से तो नहीं जूझी होगी। ये जिंदगी और मौत की लड़ाई थी, इसमें पुलिस का इकबाल भी हार गया। बेटी को अलीगढ़ के JN मेडिकल कॉलेज से एम्स की बजाय सफदरजंग ले जाया गया। क्यों? इस बात पर कोई सफदरजंग के डॉक्टरों की मंशा पर सवाल नहीं उठा सकता। उन्होंने हर संभव कोशिश की पर उसे और वरिष्ठ अस्पताल में ले जाया जा सकता था। हिंदू प्रथा है कि किसी शव को रात में नहीं जलाया जाता, पर उसके शव को रात में जला दिया गया। पत्रकारों को रोकने के लिए पुलिस ने मानव श्रृंखला बनाई और परिवार समेत सबको दाह संस्कार से दूर रखा। आरोप SDM पर भी, परिवार से बदसलूकी के। परिवार आरोप लगाता है कि शव को पेट्रोल डालकर जलाया गया। हो सकता है कि भावावेश में कही गई ये बातें उतनी सच ना हो, लेकिन ये झूठ भी नहीं है। सच ज्यादा बड़ा है। अंतिम संस्कार जल्दबाजी में करके दोबारा पोस्टमार्टम की संभावना को ही खत्म कर दिया गया। रात को 2:30 बजे पीड़िता के शव का गैर जिम्मेदाराना ढंग से अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये सवाल तो है, लेकिन जो इन सवालों को न उठने देने के लिए महकमा है उसी ने ये सब क्यों किया? रीति रिवाज सब ताक पर रख दिए गए। परिजनों का कहना है कि उन्हें लड़की की मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी तक नहीं दी गई। हाथरस के पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट में अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पीड़िता के साथ रेप हुआ। क्या अब भी आप उसे निर्भया कह पाएंगे? उसके दर्द को महसूस किया जाना चाहिए। कानून अपना काम बेहतर ढंग से करे, हर बार हर लड़की यही तो चाहती है। कोशिश करिए कि फिर किसी लड़की का नाम निर्भया रखने की जरूरत न पड़े, उसके अपने नाम से उसकी बड़ी पहचान हो। उसे यह अवसर हम पूरी जिम्मेदारी के साथ दें, यही उसके साथ सच्चा न्याय होगा। मिलते रहेंगे आपसे।